में इतनी ताकत कैसे आई, इतने गिरिराज जी कैसे उठा लिए? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, ए तनसुखा मनसुखा धनसुखा, चलो सबरे प्रणाम करो मुकु, मैं जय जय हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी ने जैसे ही कही हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले जय जय। अरे जय जय ये बता तेने ऐसो कौन सो काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, आज जो कोई साधारण बालक कर सके? ब्रजवासी बोले बस बस बस, मारी तेने पूतना, बात बनाकर पूतना मारी। अरे लाला वास्तव में पूछे तो ये हमारे ब्रज की सीमा को प्रभाव है कि नकारात्मक ऊर्जा वाले मानव प्रकट प्रवेश करते ही मर जावे और तेरो हाथ लग जावे या हमारे शरीर तू ले जावे, दो में ताकत थोड़ी है। ठाकुर जी बोले जय हो भैया ब्रजवासी की, ये कभी नहीं मान सके कि मैं भगवान। ब्रजवासी सब बोले लाला तू को आज बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में ताकत कहां से आई। ठाकुर जी बोले बोलूंगो कि मुंह में मैं भगवान हूं तो ये मानेंगे नहीं। तब ठाकुर जी, हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, कछु माखन को पल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मुंह में माखन ते बल आए गयो, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाल बाल बोले लाला हमने कहा सहायता करी? अरे आप सब लोग छप्पन भोग पा रहे, आप सब लोग देसी घी को बढ़िया भोग लगा रहे, दूध पी रहे, मक्खन खा रहे, मठा पी रहे, आप सबके अंदर खूब बल आ गए हो, और वह बल से जब आपने टकटकी लगा के मेरी ओर देखो तो आप सबन को बल निकल के मेरी उंगली में आ गो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए।